हे एवरीवन, दिस इज कार्तिक अस्वाल। सो गाइस, आज के कॉलेज रिव्यू में आपके सामने एक नया कॉलेज रिव्यू लेके आया हूँ। ठीक है, आज के कॉलेज रिव्यू में बात करेंगे डीएस मनरू कॉलेज है, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो देख रहे हो, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ का, बहुत ही शानदार कॉलेज है गाइस रिहैबिलिटेशन के लिए। देखो यार, अगर BA SLP करना है, ठीक है, यहाँ का सबसे मशहूर कोर्स है BA SLP, तो BA SLP BTEC जितने भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज इस कॉलेज में है भाई। बहुत अच्छा कॉलेज है, लखनऊ में उपस्थित है। इस कॉलेज के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है भाई, सबने हमने इकट्ठा किया, सारा जानकारी देखा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइज। सो स्टार्ट गाइज, स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे सारे कोर्सेज के बारे में। तो देखो यार, ये सुंदर सा कैंपस ग्रीनरी दिख रही है आपको, सुंदर सा कैंपस आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही बड़ा कैंपस है गाइज, क्योंकि कोर्सेज भी ज़्यादा हैं भाई, कोर्स ज़्यादा होंगे तो वो भी बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। सारे कोर्सेज देखेंगे, फीस देखेंगे। ठीक है, चलो यार देखते हैं। पब्लिक है, गवर्नमेंट समझ सकते हो, 79 टाइप का गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 131 एकड़ का है, समझ सकते हो 131 एकड़ है, बहुत ही बड़ा है, ग्राउंड वगैरह सब कुछ है। 2008 का कॉलेज है, तो जितना ही कॉलेज पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, फंडा हमारा सेम ही रहेगा पुराने रिव्यूज जैसे। ठीक है, तो भाई अगर तुम लोग BTEC या कोई भी कोर्स करना चाहते हो ना, तो कॉलेज रिव्यूज का मेरे पास प्लेलिस्ट है, वो सब जरूर देख के जाना यार, क्योंकि सारे कॉलेज को जानने एडमिशन लेने से पहले हर कॉलेज के बारे में जानना जरूरी होता है गाइस। हॉस्टल किसके लिए है, किसी मेल होता है, किसी फीमेल, किसी दोनों के लिए, मेल फीमेल, स्टूडेंट जेंडर, सब सारे बच्चों के लिए। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार, कॉलेज के बारे में देख लेते हैं, अबाउट कॉलेज। ठीक है, तो अबाउट कॉलेज में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, स्पेशल यूनिवर्सिटी एमंग स्पेशल एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं भाई 131 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ऑडियो विजुअल इंपेयरमेंट्स, ठीक है, जिन बच्चों को मतलब कम दिखाई देता है, देखने में दिक्कत है, उनके लिए क्या होता है, कॉलेज बेस्ट माना जाता है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो यार, 2008 में हुआ था, UGC अप्रूव्ड है। ठीक है, और देखो यार, 7 किलोमीटर है आलमबाग लखनऊ से, जानी जाओ आलमबाग। ठीक है, एग्जामिनेशन टाइप होता है इसका CGPA आता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होता है, कैंपस एरिया 131 एकर्स का है। अब काम की बात कर लेते हैं, तो जाएंगे आप कॉलेज कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, डिपार्टमेंट सारे मतलब जैसे जो भी सोच सकते हो ना, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ है भाई, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, देख लेना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, सबको बता दे रहा हूँ। विजुअल इंपेयरमेंट्स, हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में भी दिक्कत, सब कॉलेज वहाँ पे उपस्थित है, सारे डिपार्टमेंट उपस्थित है। 131 एकड़ का समझ सकते हो कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। डीएस मनरू लखनऊ फैसिलिटीज देखा जाए तो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, मान लो जब खेलने उलने में बॉडी शॉट बनाना चाहते हो, जिम वगैरह सब है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बस तुमको प्रोवाइड करेगा, लाइब्रेरी है, बैठ कर पढ़ो आराम से भाई, IUS बनो कुछ, देश का सेवा करो। हाँ, प्रैक्टिकल लैब है, IT सेंटर्स हैं, ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम बहुत ही बड़ा है इसका। देखो लाइब्रेरी में बहुत ही बड़ा है, लाइब्रेरी में तुम्हारा क्या है, वाईफाई पूरा उपस्थित है उसमें। ठीक है, अब देखो यार, 4000 रेफरेंस बुक्स भी बहुत सारे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जर्नलिस्ट का बुक वहाँ पे है। ठीक है, लैब्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, सबके लिए हैं, जो वहाँ कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, सबके लिए है। हॉस्टल भी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। ठीक है, चलो यार, इसे स्टेट यूनिवर्सिटी जानते ही हो तुम लोग, और यहाँ डीएस मनरू जो है यहाँ पे जान ही सकते हो कि तुम बात कर दिए, वाईफाई है, हॉस्टल, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बॉडी शॉडी बनाने के लिए जिम भी है, स्पोर्ट्स भी है, खेल भी सकते हो, कूद भी सकते हो, कोर्सेज अफोर्ड करता है, आर्ट्स करता है, आर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी हो सके, कॉमर्स से, लॉ से, मैनेजमेंट, हर कोर्सेज कराता है, BTEC भी है, BA SLP कोर्स भी है इसमें। यार देखो, कोर्स देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। आर्ट्स में देखा जाए तो देख सकते हो इतने सारे कोर्सेज ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि यार हियरिंग इंपेयरमेंट भी के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे जो होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल कॉलेज माना जाता है। लॉ में देखा जाता है BCOM LLB सब कुछ होता है, कॉमर्स में BCOM MCOM है, मैनेजमेंट MBA, फाइनेंस MBA, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MBA, मार्केटिंग मैनेजमेंट PhD, बिजनेस मैनेजमेंट, गाइस सारे कोर्सेज हैं, अच्छा कॉलेज है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो यार, फीस सब कुछ देख रहे हैं। देखो यार, एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है, इसका देखो यार, एनुअल एग्जामिनेशन हर साल होता है, तो हर साल उसमें होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में आप रिजल्ट इसका चेक कर सकते हो। तो सोच सकते हो इसका ऑनलाइन भी इसका रीच है, और ऑफलाइन भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। चलो यार बढ़िया, ऑनलाइन सब काम हो रहा है। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलते हैं यार, स्कॉलरशिप मान लो यार, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, OBC स्टूडेंट्स के लिए भी मिलता है, OBC स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप होता है, और स्टेट गवर्नमेंट तो अलग से प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप गाइस। ठीक है, चलो यार एडमिशन स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे एडमिशन इसमें ले सकते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन देखो यार, कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट जो जमा कर रहे हो ओरिजिनल होना चाहिए। देखो यार, मैंने एक अलग वीडियो बना के रख रखा है कि इस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी होते हैं, उसमें बात कर लेना, उसको जाके वीडियो देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट कॉपी से बनवा लेना, इसलिए मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ यार। देखो यार,
सबका जो मान अगर तुम्हारा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट हो जाता है, तो ठीक है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फोटोकॉपी उसका होना चाहिए। चलो यार नेक्स्ट देखते हैं, नेट बैंकिंग कैश सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ पे फीस जमा कर सकते हो उससे। चलो यार डिटेल फुल डिटेल देखते हैं यार इसका, अगर मान लो वेबसाइट आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पे इसमें वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में देख सकते हो। स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी लखनऊ, एड्रेस है मोहन रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइस। चलो यार पिन कोड 22617 है, फीस एक्सेप्ट होता है, डीडी के फॉर्म में अक्सर सब जगह होता है, कैश में भी होता है यूनिवर्सिटी में। चलो यार एग्जाम कैसे एडमिशन ले सकते हो बात कर लेते हैं। डीएस मनरू लखनऊ में क्या होता है, UPSEE एग्जाम जो तुम्हारा काउंसलिंग हुआ 21 जून से 30 जून तक लॉकडाउन हो गया तो बढ़ गया होगा, UPSEE से एग्जाम मान लो कई जगह एडमिशन मिल जाता है कई कोर्सेज में, लेकिन और कोर्सेज क्या होता है JEXPO एक कोर्स होता है उससे आपको क्या मिलता है एडमिशन मिलता है गाइस। चलो यार नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देख लेते हैं यार कि डॉक्टर शकुंतला में मतलब कौन कौन से अच्छे कोर्सेज होते हैं। देखो यार BSLP की बात कर रहा था मैं, अदर कोर्सेज में BSLP बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच बहुत ही अच्छा कोर्स माना जा सकता है, पॉपुलर कोर्स में भी देख सकते हो, BTEC भी है यार, BTEC है, BBA है, सब कुछ है यार, ठीक है, LLM है, जो भी कोर्स पढ़ना हो इसमें देख लेना है, बहुत अच्छा है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलो यार सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में, एलिजिबिलिटी कैसे एडमिशन ले सकते हो। देखो यार फीस के बारे में बात करने की बात कर रहे थे हम लोग, फीस देखो देख लेते हैं। देखो यार BTEC में एडमिशन लेना है 12th तुमको 60% 75% क्राइटेरिया जो होगा उसके ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को 70,000 फीस लगता है, 70-71,000। MBA का फीस ऐसे देख सकते हो, BBA, PhD, MA, BA, MSc सब की फीस यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हो, ठीक है गाइस। चलो यार ये देखो यार NCERT सॉल्यूशंस, जो बच्चे जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो यहाँ पे NCERT के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो यार प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, प्लेसमेंट देखो यार प्लेसमेंट इसका कैसे है, 70% से ऊपर बच्चे प्लेसमेंट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, 10,000 से 70,000 के बीच में प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट देखो यार उतना अच्छा नहीं है लेकिन कहा जा सकता है कि मतलब मोर देन एनफ नो भाई, एवरेज चलो बढ़िया है यार, यूनिवर्सिटी अच्छा है, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड करता है अच्छे कॉलेजेस, इसका रीच है भाई, कंपनीज विजिट करती हैं इसमें, ठीक है। चलो यार कोर्स नेम BSLP की बात कर लेते हैं कि बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच है, तो 9200 इसका फीस लगता है, बहुत ही सस्ता फीस है इसका, एलिजिबिलिटी 12th, स्टार्टिंग सैलरी इसका 2,00,000 से 8,00,000 होता है, सैलरी बहुत ही तगड़ा होता है BSLP कोर्स अगर कर लो तुम लोग, एम्प्लॉयमेंट एरिया देख सकते हो, हर स्कूल में इसका जरूरत होता है यार। चलो यार एडमिशन की बात कर लेते हैं, एडमिशन देखो यार सब कुछ बात कर लिया हम लोग, एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ कैसे होता है यार, एडमिशन कैसे होता है यार, DSMNRU@DSMNRU.ac.in पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो यार। ऑनलाइन अभी भी देख लो यार, अगर हो रहा हो अप्लीकेशन तो फॉर्म भर दो, अच्छा कॉलेज है DSMNRU अप्लीकेशन में देख लो यार। PhD जो कर रहा है, PhD जो करना चाहता है उसका 50% मार्क्स चाहिए रिटन टेस्ट में, और उसका एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड होता है उसके द्वारा एलिजिबल चाहिए, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, ये इसका कॉलेज है, ठीक है। चलो यार देखो यार कैंडिडेट अगर टेकिंग एडमिशन सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज है यार, अब कैसे मैं बात करूँ, मैं सब बोला हूँ कि UPSEE, देखो यार UPSEE से सारे कोर्सेज सब मिलते हैं, देख लेना कौन कौन से कोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब UPTU का भी डेट देखो भरा हुआ हो, अगर UPTU का डेट अगर बढ़ा हुआ हो तो जल्दी भर दो, क्योंकि UPTU के थ्रू ये सारे ब्रांचेज आपको मिलते हैं। चलो यार इंट्रेंस टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर, अच्छा मतलब BEd जो कर रहा है करना चाह रहा है या बाकी BEd LLM BBA BSLP जो BSLP कोर्स बाकी सब सारे कोर्सेज जो हैं उसको कैसे मिलता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, इसका इंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कंडक्ट कराती है उसके हिसाब से बनता है। चलो यार नेक्स्ट देखते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए सब कुछ क्या क्या है सब कुछ देख सकते हो यार, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखते रहना यार, सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है तुम्हारे लिए, कितने सेमेस्टर्स में होते हैं, कितने फीस लगते हैं यार। BTEC की बात कर लेते हैं, देखो यार BTEC में क्या है कि 12th में तुमको 12th एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, UPSEE जो होता है मेरिट एंड टेस्ट स्कोर उसके बेसिस पे तुम्हारा क्या होता है हो जाता है आपका एडमिशन, 4 ईयर्स का होता है जानते हो BTEC, और जैसे यहाँ पे फीस है आपका फीस देख सकते हो। चलो यार कोर्सेज अफोर्ड बाय उत्तर प्रदेश, विकलांग, उद्धार, डॉक्टर, सब कुछ यार यहाँ व्यवस्था है, रिहैबिलिटेशन जानते हो बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको। चलो यार बैचलर इन BSLP कोर्स देख सकते हो यार कि 37,135 पर ईयर फीस लगता है, तो तुम लोग 1.5 लाख का पैसा रहे, 1.5 लाख रुपया रहे तो BSLP कोर्स आराम से कर सकते हो, 3 साल का ड्यूरेशन का वो कोर्स होता है। BA भी देख सकते हो यहाँ पे है बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखो यार BTEC का फिर हम लोग बात कर लेते हैं, 1,02,000 कुछ ईयर वन में लगता है, 60,000 ईयर दो, 60,000 ईयर तीन, 60,000 ईयर चार, देख सकते हो ब्रांचेज अवेलेबल हैं, CSE है, ECE है, EEE है, ME है,
SSC ऐसा समझ सकते हो। एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, GJEXPO नोट कर लो, उसके हिसाब से तुम इसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। देखो यार MCA प्रोग्राम है, MCA 3 साल का होता है, सब कुछ देख सकते हो, कोर्स फीस कितना है। चलो MBA देख सकते हो, देखो सब कुछ देख सकते हो, BBA वीडियो कॉल करके देखते रहना, जो भी तुमको समझ में आए कर लेना, ठीक है। हाँ MSc देख सकते हो, 2 साल कोर्स होता है, सब कुछ अवेलेबल है यार, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज इसमें इस कॉलेज में हैं। देखो यार मैंने सब जानकारी आपको इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वीडियो पॉज करके बीच बीच में देखते जाना। BCom, MCom, LLM, PhD आर्ट्स, PhD com, PhD लॉ, PhD MGMT, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है भाई। इसका बहुत ही अच्छा मिशन है भाई कि तुम्हारा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, सबके लिए क्या होता है, सबके लिए यहाँ पे पढ़ाई उपलब्ध होता है गाइस। चलो ठीक है, देखो यार, तो चलो यार बात कर लिया हमने DS मनरो के बारे में। तो DS मनरो में जो भी सारे कोर्स हैं, सारे वीडियो में बात कर चुके हैं, तो जो भी आपको जिसमें भी एडमिशन लेना हो उसमें जाके एडमिशन ले सकते हो। अच्छा कॉलेज है गाइस, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हम आपके साथ है गाइस। चलो यार देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आपके लिए, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।